एमएल का मान सिरिंज लीजिए कर रहे हैं, वो तो ऊपर वो कितना एमएल में जाना है वो हम डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करता है, वो आईवी का हाँ रेट होता है, टू हाँ एमएल में जाना है हाँ या टू एम एल या फाइव एम फिफ्टी। एल जो भी है, हाँ जितना में हमको बोलते हैं डॉक्टर कि इतना एम एल में इतना वर्ष से जाना है, उसको तो रेट वो बोलता यहाँ है। पे रेट। हाँ हाँ वॉल्यूम हो गया, आप कौन सा सीरिंज यूज कर रहे हैं, 50 ml का, 2 ml का, मतलब 50 ml का, 20 ml का, 10 ml का, तो वो टेन हम टेन एम एल करते हैं तो यहाँ नीचे टेन लिखते हैं, हाँ 10 करना पड़ेगा, और 10 ट्वेंटी एम एल किया करते हैं तो ट्वेंटी यहाँ करना 20 पड़ेगा। करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर दिए उसके बाद ठीक है, तो हो अगर जाता है। हम रेट को सेलेक्ट करके इससे अगर 50 ml 40 पे है तो 50 पे लाते हैं ऐसे करके, फिर हम सेलेक्ट करते हैं, फिर जब हाँ वो मोड पे कंफर्म हो आएगा, गया। हाँ कंफर्म हो गया, फिर वो मोड पे फिर आना, मोड पे फिर आएगा, मोड पे बिलिंग सिरिंज हमको करेगा, कौन सा सिरिंज लगाना है, कौन सा फिफ्टी लगा। एम एल, 20 ml, 10 ml, वो हम वहाँ डिसाइड करेंगे। एमएल ही डाला है तो इधर वॉल्यूम आप 10 ml सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमको डिसाइड करना है कि कितने एम एल से जा रहा है, अगर हम 2 ml से देंगे तो भी तो वो वही हाँ वो तो रहेगा, जाएगा ही बराबर, सिरिंज सिरिंज फिर बट इसको वॉल्यूम भी करने डालना इसमें पड़ेगा आपको ना, क्यों एमएल डालना रहेगा सिरिंज का।